जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे सर्वप्रथम आज। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। जय गो माता, जय गुरुदेव भगवान। आज कितना सुहाना मौसम है, प्रकृति का सुंदर मनोहर दृश्य, चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। जहाँ देखो एक सुंदर नया सा एक दृश्य दिख रहा है। मेरी प्यारे गौ भक्तों, आज प्रकृति पूजन का दिन है। इस माह में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। सावन मास में प्रकृति की हर चीज बारिश के पवित्र जल से नहाकर एकदम नई प्रतीत होती हैं। इस समय तो प्रकृति का नज़ारा बेहद मनोहर होता है। इस पवित्र नज़ारे का दर्शन करने से तन मन प्रसन्न होकर आनंदित हो जाता है। इस शुभ हरियाली की वेला में आई हुई अमावस्या को हरियाली अमावस कहते हैं। मेरी प्यारी गौ भक्तों, ये प्रकृति पूजन और पितृतर्पण पूजन का दिन है। आज के दिन प्रकृति का पूजन किया जाता है और पितरों का तर्पण, पितरों की शांति के लिए आज विशेष प्रकार से हवन इत्यादि किया जाता है। श्रावण मास में आने वाले अमावस्या का बहुत ही महत्व होता है और श्रावण में पड़ने की वजह से इसे श्रावणी अमावस्या भी कहते हैं। और एक शुभ बात और है कि इस बार हरियाली अमावस्या श्रावण शिवरात्रि के दूसरे दिन सोमवार को आई है, इसलिए इसे सोमवती अमावस भी कहते हैं। ऐसा पवित्र मंगलदायी शुभ दिन 19 वर्षों के बाद में आया है। आज जो सहयोग मिला है ये 19 सालों के बाद ऐसा शुभ सहयोग मिला है। इस बार की अमावस्या तिथि पर बहुत ही खास सहयोग 19 वर्षों के बाद बना है। इस दिन पितरों की शांति के लिए पीपल, बरगद जैसे शुभ और छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। अतः मेरा आप सभी गौ भक्तों से, सभी दर्शकों से, सभी सज्जनों से यही कहे कि आज पितरों की शांति के लिए और प्रकृति पूजन के रूप में हमें आज हरे वृक्ष लगाने चाहिए। कम से कम मेरा तो ये कहना है कि 3 पेड़ लगाने चाहिए, एक नीम का, एक पीपल का, एक बरगद का। नीम नारायण का रूप है, पीपल ब्रह्म स्वरूप है और बरगद जैसे भगवान भोलेनाथ जटा बिखेर के बैठे हो ऐसा लगता है। कहते हैं ना कि जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। एक पेड़ हम जी रहे उसके लिए जीवन में हमें ईंधन इत्यादि चाहिए, तो एक वृक्ष हमारे जीवन काल में काम आए। एक हम मर जाएं तो हम स्वयं को जलाने के लिए, हमारे दाह संस्कार के लिए, और तीसरा पेड़ पीछे वालों के छोड़ के जाएं आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मेरा आप सभी से इस हरियाली अमावस्या के शुभ पवित्र अवसर पर प्रकृति पूजन के रूप में हमें आज 3 वृक्ष लगाने हैं। मेरी प्यारे गौ भक्त, आज के दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान का महत्व बहुत ही ज़्यादा है और आज का गंगा स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी है। आज गंगा स्नान के बाद ही हमें शुभ कार्य करने हैं, पितृ पूजन करना है शास्त्रों के अनुसार। अब बात यह है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, गंगा स्नान के लिए जा भी नहीं सके, तो मैं यही कहता हूँ कि कहीं सरोवर हो वहाँ पर स्नान करें आज। और अगर ये भी ना हो सके तो आज के दिन मैं कहता हूँ कि गंगा स्नान का अगर पुण्य लेना है, देखो मैं सीधा बताऊँ,
कि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कितनी बार गंगा जी जाते थे स्नान करने के लिए, क्योंकि पैदल पैदल जाना पड़ता, गंगा जी जा नहीं सकते, तो फिर भी वो गंगा स्नान का पुण्य पूरा प्राप्त करते थे। कैसे करते, आइए मैं शास्त्रों के अनुसार आपको बताता हूँ। आप आज घर बैठे गंगा स्नान कर सकते हो। कैसे, शास्त्रों में बताया गया है कि गोमय वस्ते लक्ष्मी गोमूत्र च सर्वे मंगला, गाय माता जी के गोबर में माता लक्ष्मी जी का निवास है, और गोबर में माता लक्ष्मी जी और मूत्र में गंगा जी की कलकल बहती धार है। जब हमें गंगा जल की आवश्यकता पड़े, एक लोटे पानी में 11-21 बूंद देसी गाय माता का गोमूत्र डालकर उसे छिड़किए, सारा का सारा जल शुद्ध गंगा जल हो जाएगा। अगर आपको गंगा स्नान करना है, एक बाल्टी के अंदर पानी में एक गिलास देसी गाय माता का गोमूत्र डाल के उसे स्नान करिए, आपको गंगा स्नान का ही पुण्य मिलेगा। अर्थात मेरे प्यारे गोभक्तों, आज आपको जल के अंदर गोमूत्र डालकर और गंगा माता का ध्यान करते हुए आज आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आप लोगों को वृक्षों की पूजा करनी आज प्रकृति के रूप में, है ना, और फिर उसकी परिक्रमा करनी है। परिक्रमा के पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब हम परिक्रमा करते हैं किसी वस्तु की, किसी की, तो जिनकी हम परिक्रमा करते हैं उनकी दिव्य शक्ति हमको प्राप्त होती है। और आज प्रकृति पूजन का दिन है, तो हम वृक्ष की, पीपल की, बरगद की, है ना, इनकी पूजा करें, नीम की पूजा इनकी करें, और फिर उनकी परिक्रमा करें। उनकी परिक्रमा करने से प्रकृति के शुद्ध सात्विक गुण की दिव्य शक्तियाँ हम लोगों को प्राप्त होगी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान, गौमूत्र से स्नान करने के बाद वृक्षों की पूजा व परिक्रमा करें। पक्षियों को आज दाना डालना है, चींटियों को शक्कर और आटा, और मछलियों के लिए आटे की गोलियां बना के डालें। ये खिलाने से हम आज का जो किया हुआ दान पुण्य बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। हरियाली अमावस्या की संध्या को, अर्थात आज शाम को ईशान कोण में, पूरब और उत्तर दिशा के बीच का कोना होता है ईशान कोण। इस ईशान कोण में आज आपको क्या करना है, मैं जो बातें बता रहा हूँ आज के लिए आपके लिए बहुत आवश्यक है करना। ईशान कोण में देसी गाय का घी का दीपक जलाना है। ईशान कोण में देसी गाय का घी का दीपक आपको जलाना है। आज इस प्रकार से दीपक जलाने से इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पितृ शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आज के दिन ये करने से दुख, गृह क्लेश, दरिद्रता, गरीबी, संकट आज दूर होंगे। इसलिए हमें ये पवित्र कार्य करना है। आज के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चोला चढ़ाना है। देसी गाय माता के घी में सिंदूर मिलाकर और हनुमान जी के अच्छा चोला चढ़ाएं, और गुड़ और रोट, जो रोट बनाते हैं हनुमान जी के, जिसके ऊपर गुड़ और घी रख के हनुमान जी महाराज के भोग लगाएं, और आज हनुमान चालीसा का पाठ करना है हनुमान जी के मंदिर में जाकर। ये कार्य आपको करना है। हनुमान जी संकट मोचन हैं, और आज के दिन किया हुआ यह शुभ कार्य हनुमान जी की कृपा से हमारा सफल होगा, और आने वाले हमारे जीवन के संकट सारे समाप्त हो जाएंगे मेरे प्यारे गोभक्तों। इसलिए हमें ये काम करना है। इस वर्ष हरियाली अमावस्या के दिन, आज के दिन चंद्र ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह और शनि ग्रह सभी अपनी अपनी राशियों में रहेंगे। इसलिए आज के दिन गोदान, गोपूजन, गो सेवा करने से कई राशियों पर इसका प्रभाव कई गुना बढ़कर होगा। गोदान आज के दिन करना है, कोई गौशाला में जाकर चारे बाटे की रसीद कटवाएं, या सुनी घूमती गाय माताओं को चारा बाटा खिलाएं। वैसे तो गौ माता की सेवा नित्य करनी चाहिए। जो मैं काम बता रहा हूँ ये तो समय समय पे करते रहना चाहिए, और गौ सेवा नित्य होनी चाहिए। मगर मैं आज के लिए क्यों कह रहा हूँ, आज के दिन अगर ये कार्य किया तो ये कई गुना ज़्यादा फलदायी होगा, क्योंकि 19 वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग आज बना है। हरियाली अमावस्या, सोमेती अमावस्या, और श्रावण महीने में जो अमावस्या, ये श्रावणी अमावस्या है, तो ऐसा योग 19 वर्षों के बाद बना है। बहुत ही शुभ मंगलदायी अवसर है। इसलिए आज के दिन गौ माता के लिए दिया हुआ दान, गौ माता की सेवा का आज के दिन अगर आप संकल्प लोगे, तो आपके जीवन के अनेकों अनेक संकट निश्चित रूप से समाप्त होंगे मेरे प्यारे गौ भक्तों। आज के दिन का
प्रण करके आप कुछ नया ऐसा संकल्प करें, गाय माता की रक्षा को लेकर, गाय माता की सेवाओं को लेकर, आसपास में घूमने वाली गौ माताओं की व्यवस्थाओं को लेकर, जैसा आपको शक्ति सामर्थ्य उसके अनुसार आज पवित्र संकल्प लें गौ सेवा का। इसके प्रभाव से आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली बनी रहेगी गौ की कृपा से। मगर आज तो विशेष करें, मगर संकल्प भी लेना है, ये विपत्ति नाशक होगा। मेरी प्यारी गौ भक्तों, इस प्रकृति के हरियाली अमावस्या का आज दृश्य है, बहुत सुंदर है और शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है। भगवान भोलेनाथ का पवित्र मास श्रावण मास है, तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ को धतूरा, आक, बिलपत्र, दूध है ना, इन इत्यादि से भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है और भगवान भोलेनाथ का बहुत विशेष प्रकार से अभिषेक करना, जैसे रुद्राभिषेक। तो मेरे प्यारे गौ भक्तों, हम लोगों को आज के दिन इस हरियाली अमावस्या के दिन ही मेरे परम पूज्य परदादा गुरु मनोहर दास जी की पुण्यतिथि है, जो पुष्कर शीतल आश्रम में आज मनाई जाएगी। मनोहर दास जी मेरे परदादा गुरु, वेदांत के विद्वान, परम गुरुनिष्ठ, साधु सेवा और परिश्रमी थे। वेदांत वेदों का अंतिम सार वेदांत कहलाता है। अर्थात चार वेदों का अंतिम सार क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, अंतिम सार अर्थात इस मानव योनि का अंतिम उद्देश्य, मुख्य प्रधान उद्देश्य है मुक्ति। मरने के बाद मुक्ति होगी किसने देखा है, मगर जीते जी मुक्ति का अनुभव करा दें, वो है वेदांत का अद्वैत ज्ञान। मेरी प्यारे गौ भक्तों, आपको मैं थोड़ा सा वेदांत के बारे में बताता हूँ। गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी को अपना प्रथम गुरु बनाया शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले थे, वो कहते हैं जो है सो एक है, ये जो दिख रहा है ये संसार, ये प्रकृति, ये सब एक स्वप्न मात्र हैं, सत्य है एक है, वो निराकार है, निर्गुण है, पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद है। अर्थात ये जो संसार है, अब आपको ये दिख रहा है ये क्या सब एक है, तो फिर यह क्या है, तो मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जब हम सोते हैं रात को, हमें नींद आती है और हम सपना देखते हैं। जब हम सपना देखते हैं तो उस सपने में बहुत सारे दृश्य, हमने जो सोचे नहीं थे ऐसे दृश्य भी हमको देखने को मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस स्वप्न के दृश्य में हम कहीं पे भी नहीं दिखते हैं, मगर वहाँ पे होने वाली प्रत्येक घटनाओं, प्रत्येक दृश्य को हम देखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें अच्छा होता तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं स्वप्न में, और कोई थोड़ा सा हमारे लिए कष्टदायी हुआ तो हम दुखी भी होते हैं, हम रोने भी लग जाते हैं, अच्छा होने पर हंसने लगते हैं। जबकि बात हकीकत में ये है कि क्या आप उस स्वप्न में थे, क्या जो आपने दृश्य देखा वो वास्तव में था, क्या जिससे आपको सुख की अनुभूति हुई क्या वो वस्तुएं वहाँ पर हकीकत में थी, जिससे आपको दुख हुआ क्या वास्तव में वो था, नहीं था, ये केवल सिर्फ अपना एक कल्पना मात्र थी। तो मेरी प्यारी गौ भक्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब उस स्वप्न को देखते तो स्वप्न के अंदर ही पता चल जाता है कि अरे यार मैं काहे को दुखी हो रहा हूँ, ये तो मेरा एक सपना है। और जब हमें पता चल जाता है कि सपना है, तो फिर उसका सुख दुख हमें ज़्यादा अधिक नहीं होता उस स्वप्न में। इसी प्रकार से संसार भी एक सपना है, हम जैसा सोचते हैं, जैसा हमारे मन में भाव आते हैं, वैसा दृश्य तैयार होता है। तो जिस भांति हम सपने में से बाहर निकलेंगे, जब हमारी नींद खुलेगी, नींद खुलते ही सपने के सारे दृश्य खत्म हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता और सारा मिथ्यापन हमें दिख जाता है। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे गौ भक्तों, मेरे सजनों, इस संसार भी एक स्वप्न मात्र है,
जिस प्रकार से सपने के अंदर अपने को पता चल जाता है कि मैं ये नींद के अंदर में सपना देख रहा हूँ, तो फिर सपने के सुख दुख हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। इसी प्रकार से मन को साधना के माध्यम से ऐसा बनाइए कि संसार एक स्वप्न है, ये कुछ भी नहीं है। इसमें होने वाली घटनाएं कुछ वास्तव में ये सब स्वप्न मात्र हैं। जब मेरी नींद खुलेगी तब ये स्वप्न खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से इस संसार को जब छोड़ के जाएंगे ना, तो आपको जिस प्रकार से नींद से उठने के बाद सपना खत्म हुआ, इसी प्रकार से संसार को छोड़ के जब जाएंगे उस समय ये भी एक आपको मिथ्या सपना लगेगा। तो मेरी प्यारे गुरु भक्तों, इस संसार में रहते हुए आत्म तत्व का ध्यान कीजिए। गो माता और सदगुरुदेव भगवान की शरण लेकर हम उस परम शुद्ध तत्व को जान सकते हैं कि आखिरकार वो एक है कौन, अर्थात एक है दो नहीं। जहाँ पे दो होते वहाँ पे दुख होता, तेरा मेरा है ना। जहाँ पर ये लगता है वह दुख है, और जहाँ पे तेरा और मेरा लगता वो मैं नहीं हो सकता, मैं एक है, वो आनंद स्वरूप है। उसका सदैव चिंतन करें, उस अद्वैत का ध्यान करें। और ये कब होगा, इतना सहज नहीं है। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे अच्छे भाषण क्या बोलते हैं, कथाओं के माध्यम से खूब अच्छे अच्छे प्रवचन लिख लिख कर याद कर लेते हैं। बोलने में खूब अच्छे अच्छे शंकराचार्य भी बोलते हैं, मगर वास्तविक उस परम स्वरूप का जिसको अनुभव हुआ है उसको जाके पूछो कि वाक्य में उस वो आनंद कितना अद्भुत है। तो मेरी प्यारे गुरु भक्तों, मेरे परम दादा गुरु मनोहरदास जी महाराज वेदांत के विद्वान थे, वो ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है। तो ऐसे महापुरुष थे, उनकी आज पुण्यतिथि है। वो गुरुनिष्ठ थे, गुरु की श्रद्धा उनके हृदय में कूट कूट कर गुरु के प्रति श्रद्धा भरी हुई थी। मेरे परदादा गुरु जी के गुरु का नाम है शीतल दास जी महाराज। तो उन्होंने अपने गुरु के नाम पर एक पुष्कर में आश्रम बनाया जिसका नाम रखा शीतल आश्रम। और परिश्रमी थे तो स्वयं ने अपने हाथों से वहाँ पर पत्थर डाले थे, और साधु संतों के प्रति काफ़ी उनका भाव था। संत कहते हैं जिसका मन शांत हो जाए वो संत कहलाता है। अब कौन शांत है मुझे बताओ, किसी को आश्रम की पड़ी, किसी को पद प्रतिष्ठा की पड़ी, किसी को कोई चीज़ प्राप्त करने की पड़ी, मन में जब लालसा है तो उसको अपन संत नहीं कह सकते। केवल सिर्फ चोला धारण करने से संत नहीं, जिसका मन शांत हो जाए वो संत कहलाए। तो मेरे प्यारे गुरु भक्तों, आज मेरे परम पूज्य परदादा गुरु मनोहरदास जी की पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर मैं मेरे परदादा गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आप सभी से पुणे में यही कहूँगा, आज आप भी पितरों का तर्पण करें, क्योंकि जिन पितरों की तिथि हमें याद है उनका भी आज हो सकता है, जिनको हम भूल गए हमें तिथि याद नहीं है, उनका भी तर्पण उनका पूजन आज करें। उन अतृप्त आत्माओं के लिए, अब आपकी भाषा में यही कह सकता, बाकी अन्य भाषा तो समझ में नहीं आए, तो उनके शांति के लिए आज के दिन पूजन इत्यादि करें। गो पूजन और वृक्ष पूजन, प्रकृति पूजन आप करें। जय गुरुदेव, जय गौ माता, जय भगवान भोलेनाथ।